तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी संगीत प्रेमियों का पीआरके म्यूजिक क्लासेज में। तो दोस्तों, हारमोनियम पर कोई भी गाना या भजन अगर आप खुद से निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्वरज्ञान सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और स्वरज्ञान के लिए एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आप गुनगुनाते हो उसको हारमोनियम पर दोबारा बजाएं और सुने कि हमने जो गुनगुनाया है वो हारमोनियम पर सही से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हो तो जल्दी आपको स्वरज्ञान होता है। जैसे हम एक बेसिक सरगम लेते हैं, सारे सारे गा, तो इसका रियाज कैसे करना है, एक बार आपको गुनगुनाना है और एक बार बजाना है। किस तरह से करना है, सारे सारे गा रे गा रे गा मा गा मा गा मा पा पाधा पाधा नी धानी धानी सा सानी सानी धा पामा पामा मा गा गारे गारे सा। किसी भी सरगम का प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो आकार में आप जरूर रियाज करें। किस तरह से कर सकते हैं, होता है। जितना आप सुनेंगे उतना ही जल्दी आपको स्वरज्ञान होगा। स्वरों का जो उतार चढ़ाव होता है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। स्वरों के बीच में जो दूरी होती है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। किस तरह से और प्रैक्टिस स्वरज्ञान के लिए कर सकते हैं, जैसे हमें स्वरों का उतार चढ़ाव समझना है तो सारे गाने सा, तो हम जब यहाँ से ये स्वर लगाते हैं तो आवाज ऊंची फिर ऊंची, लेकिन वापस आते हैं तो फिर। अब इसका आपको आकार में प्रैक्टिस करना चाहिए। एक बार आपको गुनगुनाना होता है तो एक बार आप बजा कर सुनिए। किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका, स्वरों का नियम कोई नहीं होता है। सरगम में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या जो आपका दिल चाहे वो स्वर लगाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीन तीन स्वरों का, चार चार स्वरों का जोड़ा बनाकर कर सकते हैं। कैसे, आ, 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 आ,
कोरे बनाकर भी रियाज कर सकते हैं। बजाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फिंगर भी अच्छे से चलने लग जाती है, हारमोनियम के स्वर आपके माइंड तक जाते हैं, तो आपको स्वरों का ज्ञान होता है कि स्वरों का जो उतार चढ़ाव होता है वो किस तरह से हो रहा है, स्वरों के बीच में दूरी है, जैसे साथ से आप गा लगा सकते हैं। यहां से यहां की दूरी से अनेक रियाज आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि हारमोनियम पर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, हारमोनियम के साथ समय बिताएंगे, स्वरों का जो उतार चढ़ाव होता है स्वरों का, उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको जल्दी स्वर ज्ञान होगा और स्वर ज्ञान की मदद से ही आप कोई भी गाना या भजन खुद से निकाल पाएंगे। तो कैसा लगा आज का ये छोटा सा लेसन, कमेंट करना ना भूले। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पर्सनली जुड़ने के लिए आप हमें WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं या ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।